देखिए, चिराग पासवान जी मरहूम शहाबुद्दीन साहब का जो परिवार है उनसे मिलने गए हैं, और चिराग पासवान जी जान रहे साफ साफ कि 2024 में नरेंद्र मोदी वापस नहीं करेंगे, तो मरहूम शहाबुद्दीन साहब के परिवार के रास्ते महागठबंधन में शामिल होने का अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। हनुमान है, हनुमान ही भाजपा के लंका में आग लगाने का काम करेंगे, ये साफ साफ आपको संकेत। भारतीय जनता पार्टी के चाहे नरेंद्र मोदी जी हों या फिर अमित शाह जी हों, वो पूरी तरीके से दिमागी रूप से डिरेल हो गए हैं। 23 तारीख को यहाँ पर जो विपक्षी एकता की जो बैठक हुई है, और उसके बाद से प्रधानमंत्री से लेकर तमाम भाजपा के लोग एकदम उनके ज़मीन खिसक गया है, और उनको यकीन हो गया है कि अब हम 2024 में नहीं आने जा रहे हैं, तो जो हम कर सकते हैं अपने 3 जमाइयों के भरोसे। कोर्ट का क्या आदेश होता है, कोर्ट क्या चार्जशीट में कुछ तथ्य पेश कर पाती है कि नहीं, कि जिस तरीके से दिल्ली के लीकर घोटाले के मामले में उन्होंने तथ्य पेश किया, सुप्रीम कोर्ट में सब कोर्ट में खारिज हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, राजनीतिक में उठा पटक जो आम बात है, लेकिन अभी जो खबरें सामने आ रही है, भाई सोमवार को चार्जशीट दाखिल किया गया सीबीआई के द्वारा तेजस्वी यादव, यानी कि जो हमारे बिहार के डिप्टी सीएम हैं उन्हें, और इसके बाद फिर इधर मुख्यमंत्री से उपसभापति की मुलाकात, शहाबुद्दीन से मुलाकात चिराग पासवान की, कई ऐसे बातें हैं। और इधर स्थापना दिवस भी मनाने की तैयारी आरजेडी कर रही है। सतीश दास जी हम एमएलए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश दास जी, जो ये जो सारे मेरे सवाल हैं जो हो रहा है राजनीतिक यहाँ पे, आप देख ही रहे हैं बिहार में, आखिर ये क्या चल रहा है, ऐसे में आप लोगों पर बड़ा असर पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को की शुरुआत, उसकी उल्टी गिनती 2022 के अगस्त महीने में बिहार से शुरू हुई थी, जहां पे उत्सव को मुख्यमंत्री को ही बदल दे रहे थे, चुनी हुई सरकार को राता राती हटा करके अपनी सरकार बना ले रहे थे। लेकिन बिहार में पहली बार ऐसी घटना घटी कि भारतीय जनता पार्टी ही सरकार से बाहर हो गई, और यहां पर नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनी। तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के चाहे नरेंद्र मोदी जी हों या फिर अमित शाह जी हों, वो पूरी तरीके से दिमागी रूप से डिरेल हो गए हैं। और उसी समय से हमारे नेता ने साफ साफ कहा था कि ये हम लोग को झूठे झूठे केस में या हमारा फेस बिगाड़ने का इन लोग काम करेंगे। और उसी सिलसिले में आपने देखा कि जब दो दो बार सीबीआई ने इसी केस को केस चलने के लायक ही नहीं समझा, उसको रिजेक्ट कर दिया, तो फिर से उसमें सप्लीमेंट्री FIR करके, जो जिस समय आदरणीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे, उस समय तेजस्वी यादव जी का उम्र 10 से 12 साल था, एक 12 साल का बालक को उसमें अभियुक्त बनाया गया है, उसके विरुद्ध में चार्जशीट दायर की गई है। तो ये साफ साफ दिखता है कि जो विगत 23 तारीख को यहाँ पर जो विपक्षी एकता की जो बैठक हुई है, और उसके बाद से प्रधानमंत्री से लेकर तमाम भाजपा के लोग एकदम उनके ज़मीन खिसक गया है, और उनको यकीन हो गया है कि अब हम 2024 में नहीं आने जा रहे हैं, तो जो हम कर सकते हैं अपने 3 जमाइयों के भरोसे, चाहे ED हो, इनकम टैक्स हो या CBI हो, इनके भरोसे जो हम कर सकते हैं वो काम वो अपना चालू कर दिए हैं। और भी लोगों पर इस तरह का कार्रवाई होगा, लेकिन जितना वो दमन बढ़ाएंगे, जितना वो जुल्म बढ़ाएंगे, उतना देश की जनता गुलबंद होगी, और उतने भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी को हम सब लोग हराएंगे। मतलब जो गोलबंद होगी, तो चलिए वो तो मतलब अलग बात है, गोलबंद होगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में क्या कीजिएगा, क्योंकि चार्जशीट दाखिल हो गया, क्या इस्तीफा देंगे या मतलब पद से ही इन्हें जाएगा? नहीं, वो तो साफ एक न्यायालय फैसला करेंगे, गार्जियन बोल रहे हैं। वो तो साफ साफ है कि इस सवाल पे हमारे महागठबंधन के लीडर बैठेंगे, कोर्ट का क्या आदेश होता है, कोर्ट क्या चार्जशीट में कुछ तथ्य पेश कर पाती है कि नहीं, कि जिस तरीके से दिल्ली के लीकर घोटाले के मामले में उन्होंने तथ्य पेश किया, सुप्रीम कोर्ट में सब कोर्ट में खारिज हो गया, उनके सामने उन्होंने कहा कि किस आधार पे आप ये आरोप लगा सकते हैं कि 30 करोड़ रुपये का लेन देन हुआ, तो कोई आधार नहीं है, क्या निराधार वो इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं? अब तो CBI और इनकम टैक्स बताएगा, और जितने तरीके का छापा मारे हैं, क्या उनके पास एविडेंस तो हुआ है बताएगा, लेकिन इस्तीफा, मतलब मैं ये पूछ रही हूँ कि मतलब उप मुख्यमंत्री के पद पर ये, हाँ, अभी हमारे उप मुख्यमंत्री के पद पर बने हैं, और महागठबंधन अगर कानून
कानून कहीं संकट में पड़ता है देश का, तो कानून को रक्षा के लिए हम लोग कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इधर उपसभापति भी की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई, क्या कुछ खेल होने वाला है? उपसभापति राज्यसभा के उपसभापति ऑलरेडी उन्हीं के पार्टी से हैं, उन्हीं के पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, तो मुख्यमंत्री जी सभी सांसदों से मिल रहे हैं, अपने सभी विधायकों से मिलने का काम किए हैं, तो इसी सिलसिले में वो उनसे मिलने का भी काम कर रहे हैं। इधर चिराग पासवान की अभी जो बातें आ रही हैं कि मुलाकात उनका हो रहा है, ऐसे में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान जी मरहूम शहाबुद्दीन साहब का जो परिवार है उनसे मिलने गए हैं, और चिराग पासवान जी जान रहे हैं साफ साफ कि 2024 में नरेंद्र मोदी वापस नहीं करेंगे, तो मरहूम शहाबुद्दीन साहब के परिवार के रास्ते महागठबंधन में शामिल होने का अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। मतलब चिराग पासवान जी आपके साथ आएंगे? हाँ, महागठबंधन में अपना आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, और चिराग पासवान जी मरहूम शहाबुद्दीन साहब की मैडम हमारी हिना साहब से मिल कर के बात की है। लेकिन वो तो हमेशा कहते हैं कि भाई हनुमान है मोदी जी के, और आप कह रहे हैं कि हम लोग में मिलने का रास्ता। देखिए, एक चीज़ समझ लिए, हनुमान है तो हमको यकीन है कि हनुमान ने ही लंका में आग लगाया था। अच्छा, हनुमान ही लंका में, एक मिनट भागिए मत अभी। हनुमान ने ही लंका में आग लगाया था, हनुमान ने ही लंका में। अच्छा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान ही हो सके आपके पास आए, तो क्या मतलब एक विकल्प आप लोगों को मिलेगा, ये जो पद खाली होगा उप मुख्यमंत्री का? नहीं, वो तो पहले तो सबसे हमने कहा कि वो हनुमान है, हनुमान ही भाजपा के लंका में आग लगाने का काम करेंगे, ये साफ साफ आपको संकेत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सतीश दास जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि विधायक भी हैं, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है चिराग पासवान पे कि भाई चिराग पासवान ये वो हनुमान है जो लंका में आग लगाए थे, और यानी कि सीधे तौर पे कटाक्ष कर रहे हैं कि बीजेपी के लंका में चिराग पासवान ये आग लगाएंगे और महागठबंधन के साथ आकर मिलेंगे, यानी कि आरजेडी के साथ आकर मिलेंगे, और सीबीआई की चार्जशीट जो दाखिल हुई है तेजस्वी यादव पर, उस पर ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि बीजेपी यह फंसा रही है, और आगे इंतजार कीजिए और बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।